नमस्कार प्यारे भैया बहनों, मैं शंकरदान चारण श्री संजय वर्षा सेकानी शिशु वाटिका आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे गणित कक्षा पंचमी का जो वर्कबुक आई है, अपनी वर्कबुक का कार्य पत्रक एक जो है उसका हम अध्ययन करेंगे। ये जो वर्कबुक आई है इसमें कार्य पत्रक एक है, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। कार्यपत्रक एक का टॉपिक है संख्याओं को अंकों व शब्दों में लिखना। संख्याएं जो होती है उनको अंकों में लिखना, शब्दों में लिखना, ये हमने पहले वाली जो कक्षा होती है उसके अंदर भी हमने ये सीखा है कि संख्या को अंकों शब्दों में कैसे लिखते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। इसके अंदर पहले हमने संख्या कैसे पढ़ी थी, जैसे भारतीय अंक होते हैं उनका इकाई, ढाई, सैकड़ा, उसके बाद में हजार, हजार के बाद में क्या आता था, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड़, दस करोड़, अरब, दस अरब, खरब, दस खरब, इस प्रकार से ये अपनी संख्या चलती थी। वो तो थी भारतीय अंकों की संख्या जो है उसकी पहचान के लिए। और अब इसके अंदर अपने आया है अंतर्राष्ट्रीय अंकों का। इसके साथ में क्या आ गया कि अंतर्राष्ट्रीय अंक जो होते हैं उनके मध्य अल्प विराम यानी कोमा जो है वो कैसे लगाते हैं और कैसे उसकी पहचान करते हैं, कैसे उसको आगे शब्दों में लिखते हैं। तो इसके लिए अपने को इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इकाई, ढाई, सैकड़ा, उसके बाद में हजार आएगा, उसके बाद में मिलियन आएगा, उसके बाद बिलियन आएगा और उसके बाद में ट्रिलियन आएगा। भारतीय अंक जब लिखते हैं, जैसे मान लो ये संख्या है, इसमें भारतीय अंकों के अनुसार अपने को कोमा लगानी है, तो हम कैसे लगाते थे, कैसे लगाते हैं, तीन अंकों के बाद में पहले कोमा लगाते हैं, उसके बाद में प्रत्येक दो दो अंक के बाद में कोमा लगती है भारतीय अंकों में। लेकिन अपने को करना है अंतरराष्ट्रीय अंकों का सीखना है इसमें। तो अंतरराष्ट्रीय अंकों का सीखने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले तो तीन संख्या के बाद में कोमा लगेगी, लेकिन उसके बाद में कितने की लगेगी, फिर दो की नहीं लग करके फिर तीन तीन संख्या की कोमा लगेगी, फिर तीन तीन संख्या की कोमा लगेगी। इसकी पहचान कैसे करेंगे, इकाई, ढाई, सैकड़ा, ये तो वैसे वैसे ही है, उसके बाद में क्या आता है आगे, आगे हजार आता है, तो इसको हम पढ़ेंगे हजार, उसके बाद में इसको पढ़ेंगे दस हजार, और उसके बाद में इसको क्या पढ़ेंगे, वैसे तो लाख पढ़ते हैं लेकिन लाख नहीं पढ़ना है, हजार, दस हजार, उसके बाद में इसको पढ़ना है सौ हजार, इसको क्या पढ़ना है, सौ हजार पढ़ना है, फिर उसके बाद में आगे पढ़ना है इसको मिलियन, दस मिलियन और फिर सौ मिलियन, और आगे अगर मान लो संख्या और आती है तो फिर उसको पढ़ेंगे बिलियन, दस बिलियन और सौ बिलियन, फिर आगे अगर और संख्या आती है तो उसको पढ़ेंगे ट्रिलियन, दस ट्रिलियन और फिर सौ ट्रिलियन, इस प्रकार से संख्या पढ़नी है। ये संख्या जो है इसको हम पहचान करते हैं तो तीन तीन की कोमा लगा दी, तो अब ये संख्या कितनी हो गई, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, सौ हजार, मिलियन, दस मिलियन और सौ मिलियन, यानी ये संख्या आपके कोमा लगा दी, ये संख्या आपके बन गई 579 मिलियन। और इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, यानी तीन तीन संख्या का हिसाब करने अपने को, तो इकाई, ढाई, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, लाख की जगह क्या बोलना है, हजार, दस हजार और सौ हजार, उसके बाद में पढ़ेंगे इसको सौ हजार आठ सौ बत्तीस हजार, आठ सौ बत्तीस हजार पढ़ेंगे इसको, आठ सौ बत्तीस हजार और फिर पढ़ेंगे तीन सौ चौपन, इस प्रकार से इस संख्या को अपने को करना है, यानी दो 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 आगे दो की बजाय तीन तीन संख्या का कोमा लगाना, फिर इसको इस हिसाब से मिलियन, हजार, सैकड़ा, उस हिसाब से करना। अब जैसे एक संख्या इसके अंदर शब्दों में दे रखी है,
इसको अगर हमें अंकों में बनाना है तो कैसे करेंगे? पहले क्या दे रखा है, 709, ये तीन अंक हो गए, फिर हजार, 260, हजार, ये एक काम हो गया और ये एक हो गया। अब ये संख्या जो है कितनी है, 7 मिलीनियम है, तो 7 मिलियन का लिखेंगे 7 और 260 हजार, तो इसकी जगह लिख देंगे 260, ये हजार का काम हो गया, और इसकी जगह लिखेंगे 790, तो ये हो गया 790। अब आगे की संख्या है, इसमें तीन अंक होना जरूरी है, इसमें तीन आ गए, इसमें तीन आ गए, इनको जोड़ दो, ये संख्या बन गई अपनी, ये इस प्रकार से संख्या बन जाएगी। तो इस प्रकार से हम अंतरराष्ट्रीय अंक जो होते हैं उनकी पहचान करना, उनको अंकों में लिखना, शब्दों में लिखना, ये हमने इस कार्य पत्र के अंदर एक नई चीज जो है वो सीखी है। आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम आगे वाली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।